ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि संसार में बहुत सारे बातें हैं, तो ऐसी कोई तरीका है, समस्या है, बात है तो बताओ आप, कोई है? हाँ, बहुत अच्छा। वही तो मैंने कल सुनाया था, दो दिन से सुना रहा हूँ। एकाग्रता का पहले अर्थ पता होना चाहिए। मन एक नहीं, मन अगर एकाग्र है तो बुद्धि भी है ना, दो चीज़ है। दीपक जलता है तो दीपक को कौन हिलाता है? ये खिड़की से हवा आ रही है, आपने ये खिड़की बंद किया, ये खिड़की से हवा आता था तो दीपक को हिलाता है। दीपक को एक रस रखना है, हिलना नहीं चाहिए, तो ग्लास डालते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ भी विधि बताई थी, अगर आप शांत होकर बैठे रहो तो मन में विचार चलते हैं, अरे आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, कल ये काम करना था, तो ये विचार आएगा, है ना, आएगा। संसार है, मैं आना नहीं चाहिए, आएगा जरूर, आना चाहिए, गलत नहीं। खाली मन, संसार के अपने जो संबंध है उसके विचार आएगा, सही। फिर बुद्धि है, इधर बैठे बैठे बुद्धि के अंदर रहेगा, देखो 2 साल पहले उन्होंने मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा, वो भी आएगा। अभी इधर राजयोग सिखाया, ये दोनों को आप चलाओ ज्ञान के आधार से। अगर आप ज्ञान के आधार से नहीं चलाएंगे तो वो अपने आप चलेगा। तो अपने आप नहीं चलना चाहिए, तो आप 5 मिनट 10 मिनट आप चलाओ। कैसे चलाओ? तो विधि बताया था कि आप बैठते, इधर आके बैठे योग करने बैठते, शुरू शुरू करो, मैं कौन, बुद्धि तुरंत जवाब देती है, हाँ कल उन्होंने बताया था, 1 साल पहले बताया था कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का चा। मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया। अभी आपने प्रश्न किया, मैं आपको देखते ही बात कर रहा हूं, मैं इनको किसी को नहीं देख रहा हूं, इतने लोग बैठे हैं, तो इसको कहते एक के पर एकाग्र हो गया, मेरा ध्यान आपके ऊपर एकाग्र हुआ, आपके प्रश्न देने के जवाब देने के लिए, है ना। तो यहां भी मन प्रश्न करता है, बुद्धि। आज तक स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया, सिर्फ मन का सिखाया, मन में अच्छे विचार करो तो भी बुद्धि भटकती है, बुद्धि के अंदर औरत है, तब कहते ध्यान लगता नहीं है। तो ये ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा ने आके ये विधि बताया कि योग में बैठते ही मन प्रश्न करे, बुद्धि जवाब देवे, तो ये दोनों एक हो गया, इसको कहते एकाग्र। फिर एकाग्र होने के बाद जोड़ो, अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई में जोड़ो, पढ़ाई पढ़ो, एक करके सारी पढ़ाई याद रहेगी। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कभी भी गलत नुकसान नहीं होगा, एक्यूरेट बिजनेस होगा। इसको गीता में कहा कर्मेशु कौशल्यम, आपके कर्मों में कुशलता आएगी। अगर माताएं ध्यान रोज ये 5 आत्मचिंतन करते, उनके कभी भी खाने में किसी में कमी नहीं होंगी, हर चीज एक्यूरेट होंगी, क्योंकि ध्यान से कर्म कर रहे हो। नहीं तो खाना बनाते, चाय बनाते, ध्यान नहीं है और कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ध्यान अर्थात ये मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, इसका नाम एकाग्र। वो विधि कल बताए थे। फिर ये ध्यान या पढ़ाई में लगाओ, या बिजनेस में लगाओ, या भगवान में लगाओ। समझ में आया कैसे लगाना? विधि बताया था। तो ये ध्यान करने की विधि चाहिए। भगवान में लगाते हो तो उसने कहा कि मैं पाप मिटाता हूं। पढ़ाई में लगाते हो, पढ़ाई जो पढ़ी वो सारी याद रहेंगी, ग्रहण करते हो आप। बिजनेस करते समय अगर ध्यान से करते हो, कोई गलत नहीं होता है, एक्यूरेट ध्यान करके, ध्यान से खाना बनाते हो, कोई नमक ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, एक्यूरेट होगा। उसको कहा ध्यान से कर्म करो, ध्यान से खाना बनाओ, कोई भी काम करो। तब दुनिया में आज कहते हैं कि डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर भी, दवाई नहीं मेडिटेशन सीखो, सब लोग कहते इस बीमारी का उपाय मेडिटेशन सीखो। तो मेडिटेशन क्या है? लोगों ने चाहे वो नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिखाया, बताया योगा डे। तो योगा और योग ये 2 शब्द है, योगा माना एक्सरसाइज, व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन नहीं। मन के लिए ये विचार बताया, विधि बताया।
मन को एकाग्र करने की विधि बताया। तो जब भी बैठते हो, 5-10 मिनट, 1-2 घंटा नहीं, 5 मिनट आराम से बैठो और मन का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, ये चिंतन करो। ये मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, सुना, याद रहता है, वो जवाब देता है। ये दोनों एक नहीं, तो ये दोनों दुनिया ने, साइंस ने, सबने कहा सबसे बड़ी कठिन समस्या ये मन और बुद्धि को एक करना। और भगवान जो सबसे कठिन है वो सहज करके बताता है, असंभव को संभव करके बताता है। साइंस ने, दुनिया ने, सबने बोल दिया एकाग्र करना एक घोड़े को कंट्रोल करने जैसा है, तूफान को रोकने जैसा, तूफान को रोक नहीं सकते हैं, तो यह असंभव है। तो वो भगवान आके ज्ञान देता, संभव करके बताता है, सहज, इतना सहज किया 2 मिनट के अंदर ही। तो भगवान वो सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर का, जो दुनिया से असंभव है वो संभव करके बताता है। इन दोनों को एक कैसे करना है, नहीं तो ये दोनों सदा अलग चलता। अभी भी आप देख लो, अभी माता जी साक्षी होके देख लो, इधर बैठे बैठे हो, माता जी लगता मुझे ही देख रही है, सुन भी रही है, सुनते से उधर एक घर में बच्चे याद तो नहीं कर रहे, खाना तो बनाना है, बनाया कि नहीं, घर में जाके आए कि नहीं, याद आया ना, गया ना, यहाँ नहीं थे, घर में जाके आए ना, घर की किसी के विचार नहीं आया, इधर बैठे इधर थे, किसी की याद नहीं आए, आया पूछ लो। हाँ आया, जरूर आएगा ही। क्यों, हमारा संबंध जहां जुड़ा है वो आएगा, क्यों, खाली बुद्धि थी।